तो आज हम आप लोगों से एक बात पे चर्चा करेंगे कि यह प्रकृति क्या है और प्रकृति से गॉड या भगवान का कॉन्सेप्ट कैसे आता है और फिलोसफी इसमें क्या कहती है और रियलाइजेशन क्या है। इन सारे पॉइंट पे हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर हम कहें प्रकृति के बारे में, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति या नेचर के अगर हम बात करते हैं तो इसका मूल सिद्धांत क्या है, इसी में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि पुनर्जन्म क्या होता है या मानव का अस्तित्व क्या है। तो प्रकृति का मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो प्रकृति का मतलब है जो प्रकट हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, जिसमें कुछ मूवमेंट है, जिसमें जान है, वह प्रकृति है जो प्रकट हो रहा है। तो प्रकट कहाँ से हो रहा है, ये समझने वाली बात है। तो जो प्रकट हो रहा है वह प्रकृति है। तो प्रकट जो है सो वो इस धरती से हो रहा है, इस धरती मतलब वह मिट्टी से हो रहा है। दुनिया में हर एक चीज, जितने भी सारी चीजें देखेंगे, वो कहीं ना कहीं इस धरती अपने आप को प्रकट कर रही है। तो यह धरती अपने आप को जो प्रकट कर रही है, यह एक नेचुरल घटना है या इसमें किसी भगवान, देवी, देवता का हाथ है? अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो विज्ञान का कहता है। तो विज्ञान जो कहता है या विज्ञान के मतों को अगर हम ध्यान लेके चलें, तो यहाँ पे यह बात साबित हो रही है कि यह प्रकृति अपने आप को प्रकट कर रही है। वह आपको आपके हमारे रूप में प्रकट कर रही है, पेड़ पौधों के रूप में प्रकट कर रही है, जीव जंतु के रूप में प्रकट कर रही है, चाहे जिस रूप में भी प्रकट कर रही है। प्रकृति मतलब जितना भी चीज जो है इस दुनिया में जो सजीव है, वह जो है सो चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे चेतन हो या अचेतन हो, हमारे हिसाब से अगर कहा जाए तो जितने में जीव है वह चेतन है और जितने में निर्जीव है वह कहिए कि अचेतन है। जिसमें अब उसमें भी चेतन में भी प्रकार है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोग कुछ ज्यादा ही चेतन है, हमारे चेतना की शक्ति है। या एक तरह से दूसरे शब्दों में अगर हम इस चीज को व्याख्या करें आपसे, तो मान लीजिए कि यह एक छोटा सा पौधा है या केले का पौधा है, उसके बाद में इधर जो है यह फूल का पौधा है। तो यह जो चीज है यह मिट्टी से पैदा हो रहा है, मिट्टी से जन्म ले रहा है और बड़ा हो रहा है और इसी मिट्टी में फिर मिल जा रहा है, फिर उसी से कोई दूसरा चीज पैदा हो रहा है। तो यह प्रकृति जो है, यह मिट्टी जो है, यह धरती जो है सो अपने आप को इन सारे भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट कर रही है। अब भारतीय सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में आप देखिए तो हर एक जीव में भगवान का अंश माना गया है। तो वह भगवान क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि भगवान को दो तरीके से लोग मानते हैं। एक सगुण, जिसका रूप है, रंग है, आकार है, वह सगुण है। एक निर्गुण, जिसका रूप, रंग और आकार नहीं है। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए हम आपसे कहें कि आपका कॉन्सेप्ट या कहिए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो भी मूल सिद्धांत है, उसमें हर एक जीव जंतु में भगवान को मानना, निर्जीव में भी इवन एट प्राण प्रतिष्ठा लोग कर देते हैं। तो आप जब भी किसी जीव में, यहाँ पे हम निर्गुण और सगुण की जो व्याख्या है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, तो जब भी आप यहाँ पे जीव जंतु में भगवान के अंश को मानते हैं या भगवान को मानते हैं कि उसमें यह भगवान का रूप है, रंग है, आकार है, तो भगवान को आप निश्चित कर रहे हैं, भगवान को फिक्स कर रहे हैं। तो यह जो है सो सगुण भक्ति है, या कहिए कि भगवान के प्रति जो है सो जो चीज देख रहे हैं, जो प्रकृति देख रहे हैं, उसी को बोल देते हैं कि यही भगवान है। अच्छा, अब यहाँ पे निर्गुण भक्ति वाले क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि भगवान एक जगह फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि यह जग ही इतना जो है सो भिन्नता लिए हुए है, तो किसी एक चीज में आप भगवान को नहीं मान सकते, चाहे मंदिर, मस्जिद, मूर्ति या हमारे आपके बीच में, वो नहीं मानते। इसलिए क्योंकि भगवान का रूप ही अनंत है, तो आप एक जगह फिक्स क्यों कर रहे हैं उसको? एक जगह पे जब फिक्स कर रहे हैं मतलब आप उसी जगह बैठ गए, उसी जगह फिक्स हो गए, तो आप में डाइवर्सिटी नहीं रहा और भिन्नता नहीं रही, तो आप खुद ही खत्म हो रहे हैं। जब आप खुद ही खत्म हो रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है, अब भगवान का नाम का मतलब भगवान खुद में बढ़ रहा है, भगवान खुद में विस्तार कर रहा है, या भगवान खुद में जो है सो आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप मूर्ति पूजा करके उस चीज को जो है सो अपने आप को सीमित कर दिए।
जब सीमित कर दिए तो यहाँ सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच में जो डिफरेंस है उस चीज को हम लोग समझ रहे थे। जैसे ही आप चीजों को सीमित करना शुरू करते हैं वैसे ही आप खुद सीमित होना शुरू हो जाते हैं और आपका जो है सो एक तरह से कहा जाए तो फंस जाते हैं उस भवन चक्र में और धीरे धीरे आप खुद खत्म हो जाते हैं। आप फिर दूसरे चीज की तरफ ध्यान नहीं लगाते हैं और फिर जो है सो आप खत्म हो जाते हैं। तो सगुण और निर्गुण, निर्गुण क्या कहता है कि नहीं कोई चीज में फिक्स नहीं है, भगवान निरू मतलब निराकार है, उसके कोई आकार नहीं है, क्योंकि वो जो आकार मन करेगा वो पकड़ लेगा, जिस समय पर मन करेगा वो समय पकड़ लेगा। अब जैसे ये गाय चल रही है या ये सांड चल रहा है, ये आदमी जा रहा है, ये किसको चल रहा है, घास को चल रहा है, तो चरने वाला भी प्रकृति है और जो जिसको चरा जा रहा है वो भी प्रकृति है। तो यह नेचर है, यह प्रकृति है जो प्रकट हो रही है। अब यहाँ पे एक और जो सिद्धांत आता है, अगर उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करें तो वह दूसरा सिद्धांत क्या कहता है। तो दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि जहां पे भी चेतना होगी वहां प्रकृति प्रकट होगा। अब समझना, बहुत ही गूढ़ बात की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। जहां पे भी चेतना होगी, तो अब चेतना का मतलब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि उसमें सजीव चीज है। एक्चुअल में क्या है कि जब टेम्परेचर पड़ता है तो हवा भी मूव करने लगता है, तो क्या उसमें चेतना को मान लोगे? नहीं मानेंगे हम, क्योंकि वह जो निर्जीव चीज है उससे, अगर मान लीजिए ये पेड़ पौधों का निर्माण हो गया, ये जो है सो तोतों का निर्माण हो गया, तो यह चेतना के रूप में आपको दिख रहा है, लेकिन यह निर्माण किससे हुआ? उन्हीं चीजों से हुआ है, लेकिन यह दिख रहा है आपको, इसमें मूवमेंट है, इसलिए आप कह देते हैं कि तू चेतन है। अब यहाँ पे बात आती है कि जो चेतना है जहां पे भी एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म हो रहा है, अब अगर विज्ञान की तरफ से हम चलें, जहां पे भी एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म हो रहा है वहां पे चेतना जागृत हो रही है। जैसे हवा में अगर बहुत ज्यादा जो है सो अगर मान लीजिए कि एनर्जी दे देंगे तो उसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी, लेकिन क्या वह सजीव होगा या निर्जीव होगा? तो वह निर्जीव मूवमेंट होगा। लेकिन चेतना इस धरती से कुछ नया चीज प्रकट हो रहा है जिसमें जीव के एहसास है, जिसमें फीलिंग है, वह चेतना है। समझना बात को, और यही प्रकृति है। अब हम लोग थोड़ा सा इससे हट के हम थोड़ा सा मानव समाज पे आते हैं और जो धर्म क्या कहता है और अलग अलग धर्म में इसके लिए क्या क्या व्याख्याएं की गई है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे आपसे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, बहुत ही गूढ़ बात है, जिसको आपको और हमें समझना पड़ेगा। अगर आप सगुण भक्ति को मानते हैं या निर्गुण भक्ति को मानते हैं, सगुण भगवान सगुण ब्रह्मों को मानते हैं या निर्गुण ब्रह्मों को मानते हैं, सबसे बड़ी यहाँ पे अच्छी या बुरी बात यह है जिसको हमें और आपको समझना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे प्रकृति अपने आप को प्रकट कर रही है, तो प्रकृति जब खुद ही अपने आप को प्रकट कर रही है, खाने वाला भी प्रकृति है और खिलाने वाला भी प्रकृति है, तो खाने और खिलाने वाला दोनों एक ही है, समझना बात को, लेकिन ये जो है सो रूप में भिन्नता आ रहा है, क्योंकि यह प्रकृति जब तक अपने आप को प्रकट नहीं करेगी यह खुद ही समाप्त हो जाएगी। गॉड के कॉन्सेप्ट, वो अपने आप में अगर वो बदलाव नहीं करेगा तो भी खत्म हो जाएगा। मानव जीवन अगर अपने आप में बदलाव नहीं करेगा तो भी खत्म हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए प्रकृति अपने आप को डाइवर्सिटी लेके आ रही है, उसमें नई नई चीजें का वो खुद ही अपने आप को बदल रही है। अब उसमें मान लीजिए कि बनाने वाला भी और बनने वाला भी दोनों भगवान है। गीता के तरफ से कहें तो आपको यहाँ पे कीटंग चक्रंग तेज राशि सर्वतो दीप्ति ममतंग नानतंग न मंडवंद हे पुनेश्वर हे विशेश्वर विश्वादि, मतलब कि भगवान जो है सो का कोई अंत नहीं है, या कहिए कि इस प्रकृति का कोई अंत नहीं है, यह प्रकृति अपने आप में अनंत है, क्योंकि यह अपने आप में समय के साथ बदल रही है, समय के साथ रूप धारण कर रही है। तो यहाँ पे जाति धर्म समुदाय में हम लोग जो विभाजित हो गए हैं या हमको बांट दिया गया है, यह प्रकृति के अगेंस्ट में है। पहली बात, यहाँ पे ना कोई बड़ी जात है ना कोई छोटी जात है, यहाँ पे यह विभाजन जो किया गया है यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए यह विभाजन किया गया है ताकि कुछ लोग जो है सो इस प्रकृति का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। फायदा उठाने वाला भी प्रकृति है और जो उठने वाला है वो भी प्रकृति है, तो प्रकृति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अल्टीमेट अगर हम कहें तो भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान ही इस डाइवर्सिटी को बनाया है, भगवान ही इस विविधता को बनाया है। तो भगवान शेर भी है और भगवान यह गिलहरी भी है, यह भगवान जो है सो आपका खरगोश भी है, भगवान हिरण भी है, तो मारने वाला भी भगवान है, मरने वाला भी भगवान है, तो डिफरेंसिएशन कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। आप एक अमीर भी भगवान का बनाया हुआ रूप है, एक गरीब भी भगवान। अब यहाँ पे बात आती है कि जो मनोदशा आपकी और हमारी है, इसमें हम लोग कितना अच्छे तरीके से चीजों को समझ पाते हैं। अगर जितने डीप में जाके चीजों को समझेंगे, गहराई में इससे चीजों को समझेंगे, तो आप भिन्नता को समझ जाएंगे।
जब भिन्नता को समझ जाएंगे तो उस भिन्नता का अपमान करने लगेंगे, क्योंकि हम अपने, अगर मान लीजिए कि हम किसी को मार रहे हैं तो अपने आप को ही मार रहे हैं, क्योंकि वो हम दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। ये समझने वाली बात है कि हम दोनों एक ही हैं और भगवान या प्रकृति अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रेजेंट कर रही है, उपस्थित कर रही है आपके सामने, वो दोनों समान ही है। एक दलित भी समान है, एक आपको एक सवर्ण भी समान है, एक जो है सो औरत भी समान है, एक मर्द भी समान है, एक लड़की भी समान है, हर कोई समान है, क्योंकि प्रकृति अपने आप को प्रकट कर रही है भाई, ये प्रकृति अपने आप को प्रकट कर रही है।